अप्रैल में रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है पूरे बिहार भर में, और पटना की शोभा यात्रा सबसे खास होती है। कोरोना वायरस को लेकर जिस तरीके से भीड़ में लोग जाने से मना किया गया है, इन तमाम चीज़ों पर तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, इस पर बात करने के लिए नितिन नवीन जी हैं, जो कि बीजेपी के विधायक भी हैं और इस पूरे आयोजन को देखते भी हैं। नितिन नवीन जी, हर साल आपका एक बड़ा भव्य आयोजन होता है पटना शहर के अंदर, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस बार जब इस तरह की एडवाइजरी है, तो आपकी तरफ से फिलहाल तैयारियाँ क्या कुछ की जा रही हैं? देखिए, हम निश्चित रूप से 30 तारीख तक सरकार ने सभी जो एडवाइजरी जारी किया है उसके हिसाब से, लेकिन हम लोगों ने भी अपनी रामनवमी की तैयारी शुरू कर दी है। और क्योंकि ये तैयारी पिछले 2 महीना पहले से चल रही है और सभी पूजा समितियाँ अपने अपने तरीके कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से अभी हम लोग को उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन में चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। तो 30 तारीख के बाद चीज़ें अगर नॉर्मलाइज होंगी तो निश्चित रूप से रामनवमी अपने समय पर होगा, क्योंकि उसका समय निर्धारित है 2 अप्रैल को। तो निश्चित रूप से धार्मिक आयोजन है, छठ है, रामनवमी है, इन आयोजनों को बहुत रुका भी नहीं जा सकता है। हाँ, उसको किस स्केल पर करना है, अगर मौसम इसी अनुकूल रहा, सब कुछ ठीक है, तो आदमी निश्चित रूप से उसको फिर से विचार करेगा और सरकार के जो भी एडवाइजरी रहेगी उसको पालन किया जाएगा। लेकिन धार्मिक आयोजन है, आम लोग इसमें जुड़े रहते हैं, तो निश्चित रूप से उसके अनुरूप भी हम लोग को भी जो तैयारियां हैं उसके अनुरूप हम लोग ने किया है। सर, क्योंकि जहाँ तक लोगों के संख्या की बात है, हमको लगता है अगले 1 हफ्ता 10 दिन में जब मौसम जिस प्रकार से चल रहा है, जिस तरह चीज़ें अगर नॉर्मलाइज की ओर बढ़ी, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर कहीं कुछ चीज़ें लगेंगी कि पैनिक हो रही है, कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है, तो निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल ये कि क्योंकि आप पटना के विधायक भी हैं और पटना में जो आपका पूरा विधानसभा क्षेत्र है वो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लोगों को क्या अपील करेंगे? क्योंकि अभी सरकार ने जो एडवाइस जारी कर रखी है, जो एडवाइजरी जारी की, उसको हर लोग को पालन करना चाहिए। और हम भी जो भी अगले 1 हफ्ते 10 दिन जिस प्रकार से माहौल है, सब लोगों को सरकार ने डायरेक्शन दिया है ग्रुप से अधिक संख्या में लोग न जुटें, तो निश्चित रूप से उस चीज़ पे हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग जनता से भी अपील कर रहे हैं कि वैसे जगहों पे साफ़ सफाई रखें, थोड़ा स्वच्छ रहें, थोड़ा सा घर में खाने के पहले निश्चित रूप से हाथ धोए, बच्चों को भी विशेष रूप से बचाएं इन सब चीज़ों से। तो अगर एक बार आम जनमानस उस जागरूकता के साथ काम करेगा, तो निश्चित रूप से हम लोग कोरोना जैसे बड़े बीमारी से भी निजात पा सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद नितिन नवीन जी हमारे साथ में। रामनवमी के आयोजन पर साफ कहा है कि 30 तारीख के बाद फैसला होगा कि आखिर इसको किस स्केल पर करना है, क्योंकि धार्मिक आयोजन है, तारीख तय है, तैयारियां इसकी युद्ध स्तर पर चल रही हैं, तो इसको इसे रोल बैक करना मुश्किल है, लेकिन किस तरीके से इसको करना है, तमाम चीज़ों पर जो नज़रें हैं वो बनी रहेंगी। सभी विकास के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।